गाइस, वैसे आप आजकल रशिया और यूक्रेन के विवाद के बारे में तो आप सभी ने न्यूज में सुना ही होगा कि किस तरह तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कि किन देशों के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वैसे तो दोस्तों न्यूक्लियर वेपन एक सीक्रेट वाली बात है, तो उसका सही डेटा तो कहीं भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे सूत्रों से जो जानकारी मुझे मिली है मैं आपके साथ उसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स को वॉरहेड्स भी कहते हैं। दुनिया में कुल टोटल 13,132 वॉरहेड्स यानी न्यूक्लियर वेपन है, जिनमें से लगभग 90% न्यूक्लियर वेपन अकेले रशिया और अमेरिका के पास है। रशिया इस रेस में नंबर वन है, जिसके पास कुल 6,257 वॉरहेड है, जिसमें से 1600 मिसाइल डिप्लॉयड है, 2,897 रिजर्व है और 1,760 रिटायर्ड हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 5,550 वॉरहेड्स हैं, 1,800 मिसाइल्स पर डिप्लॉयड, 2,000 रिजर्व एवं 1,750 रिटायर्ड कर दिए गए हैं। तीसरे नंबर पर है चाइना, जो कि अमेरिका और रशिया के हजारों वॉरहेड से गिनती में कई पीछे है। उसके पास है 350 वॉरहेड, सारे के सारे रिजर्व। चौथे नंबर पर फ्रांस, जिसके पास 290 वॉरहेड्स हैं, 280 डिप्लॉयड हैं मिसाइल्स पर और 10 रिजर्व हैं। पांचवें पर यूनाइटेड किंगडम, जिसके पास 225 वॉरहेड हैं, 120 डिप्लॉयड और 105 रिजर्व। छठे नंबर पर पाकिस्तान 165 वॉरहेड्स के साथ और सातवें पर इंडिया 160 वॉरहेड्स के साथ हैं, सभी के सभी रिजर्व। इन सभी के अलावा इजराइल के पास 90 वॉरहेड्स और नॉर्थ कोरिया के पास 45 वॉरहेड्स हैं, वो भी रिजर्व। इतनी भारी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन इतने देशों के पास होने से आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।